दोस्तों क्या आप जानते हैं, अब से आप अपना आधार कार्ड जब भी डाउनलोड करेंगे तो आपका आधार नंबर नहीं दिखेगा। यह बिल्कुल नया फीचर है आधार कार्ड का, क्योंकि आधार ने कुछ महीने पहले ही आधार नंबर के जगह 16 डिजिट वर्चुअल आईडी लॉन्च किया था आधार कार्ड को और अधिक सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक रेगुलर आधार और मास्क आधार का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप अपने आधार नंबर को रेगुलर आधार में दिखा सकते हैं, जबकि मास्ट आधार में आपका सिर्फ आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट शो होगा। तो आधार कार्ड ने यह मेथड इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि वर्चुअल आईडी का जितना ज़्यादा उपयोग होगा आधार कार्ड उतना ही सिक्योर होगा। तो आइए चलते हैं आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे नया मास्ट आधार कार्ड। तो आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और टाइप करना है UIDAI। आप यह काम अपने स्मार्टफोन के जरिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं UIDAI.gov.in, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड आधार, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी के लिए मैं इस इम्पोर्टेंट नोट को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को 3 मेथड से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर है तो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी है तो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इनरोलमेंट आईडी के जरिए भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं आधार को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट योर प्रिफ्रेंस, मीन्स अगर आप यहाँ पे रेगुलर आधार सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका आधार नंबर भी शो होगा और 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी भी शो होगा। लेकिन अगर आप मास्ट आधार को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार नंबर को छुपा दिया जाएगा और सिर्फ लास्ट 4 डिजिट शो होगा और आपका सिर्फ यहाँ पे वर्चुअल आईडी शो होगा, और उसी का प्रयोग से आप हर जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मास्ट आधार से वर्चुअल आईडी का उपयोग ज़्यादा होगा। तो चलिए एक डाउनलोड करके मैं आपको शो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद जो आधार पे नाम रहेगा वही इंटर करना है। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड जो आपके आधार के एड्रेस में है, उसके बाद सिक्योरिटी कोड, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डू यू हैव TOTP। TOTP का मतलब है टाइम वेस्ट वन टाइम पासवर्ड। अगर आप एम आधार एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं TOTP, आप यहां पे सिलेक्ट करके TOTP इंटर कर सकते हैं। एम आधार और वर्चुअल आईडी से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, आप इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मैं अभी आपको रिक्वेस्ट OTP के जरिए बताऊँगा वन टाइम पासवर्ड इंटर करना। तो यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे कंफर्म करना है और इसी में आपका वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो चलिए मेरे मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आ चुका है, अब मैं इंटर करता हूँ। के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कुछ क्यूब सर्वे हैं, आप यहां पे भर लें तो ही आप यहां पे डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार का बटन है, यहां पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए सेव कर लेते हैं। तो चलिए इस PDF को हम लोग ओपन करते हैं। उसके बाद आप यहां पे पासवर्ड इंटर करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका आधार नंबर शो होगा, फर्स्ट 8 लेटर आपका क्रॉस हो जाएगा और जबकि लास्ट 4 डिजिट सिर्फ शो किया जाएगा। मींस अगर आपको कुछ भी इस्तेमाल करना है तो अब से आप वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस अब से आधार रेडी हो चुका है वर्चुअल आईडी हर जगह एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए आधार ने ये मास्क फीचर लाया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, लाइक करें इस वीडियो को, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।